अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल है? खूब गर्मी से घबराए होंगे क्योंकि हब्स का मौसम बहुत ही हो रहा है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ये चांदनी का प्लांट दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये एक बड़ी ही बड़ा खूबसूरत प्लांट है। ये आप फ्लावरिंग से आप देख सकते हैं कि ये एक इस तरह से, जैसे इस तरह से गोल सा, ये बिल्कुल वो छतरी की लुक दे रहा है, अम्ब्रेला शेप में ये बन जाता है। तो आप इसको किसी भी गमले में आप लगा सकते हैं, यानी 8-10 इंच के गमले में लगा लें, 10-12 इंच के गमले में लगा लें। जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता जाए, वैसे वैसे इसको जो है ना वो पॉट भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको एकदम से बड़े गमले में नहीं लगाते, क्योंकि फिर इसकी लुक खूबसूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लांट जो है वो छोटा रह जाता है, गमला जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ये एक बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी आपको कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ये आपके गार्डन को बड़ी खूबसूरत लुक देता है। तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। जिनके पास जगह है वो इसको ज़रूर जगह जगह पे थोड़े थोड़े फासले पे अपने इसको लगाएं, तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इस तरह एक छतरी सी बनी हुई और उसके ऊपर फ्लावरिंग भी आप देखें, ऐसे स्टार की मानिंद इसके ऊपर फ्लावर्स आए होते हैं तो वो बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो व्यूअर्स, ये फ्लावर्स जो हैं ये रेनी सीज़न में आते हैं। इसको, ये विंटर का प्लांट नहीं है, ये समर प्लांट है और रेनी सीज़न में इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। देखिए किस तरह से घने ये बर्ड्स इसकी देखें, गुच्छों की सूरत में बर्ड्स आती हैं और फिर ऐसे ये फ्लावर जो हैं दूर से स्टार नज़र आते हैं, तो बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसकी दो वैराइटीज़ हैं, ये एक छोटे पत्तों वाली चांदनी है और एक बड़े पत्तों वाली चांदनी है। तो दोनों ही जो हैं ये जो बड़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं। तो इसको आप इसको लगाने के लिए आपको कोई वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और मिट्टी भी कोई ख़ास आपको नहीं बनानी पड़ती है। आप भलमट मिट्टी ले लें और थोड़ी सी कंपोस्ट उसमें शामिल कर लें और उसमें आप इसको लगा दें, कोई ख़ास आपको मिट्टी नहीं बनानी पड़ती है। तो ये तो ये देखिए, ये ज़मीन में लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, इसको ज़मीन में लगाया हुआ है। लेकिन इतने ही प्लांट को, जितना ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ना, आप इसको 10-12 इंच के प्लांट में गमले में लगाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा आपको। तो मिट्टी इसी तरह से जो मैंने आपको बताई है। सनलाइट की बात करें तो सनलाइट इसको फुल सन चाहिए होता है। ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये विंटर प्लांट नहीं है, ये समर प्लांट है और इस ये फुल सन इसको चाहिए होता है। सनलाइट मिले इसको तो ये बहुत अच्छा, फिर ये ग्रोथ इसकी अच्छी होती है। अब आप देखें, आजकल इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आगे आगे जैसे ये जाएगा विंटर की तरफ, तो विंटर में जाके इसकी सारी लीव्स जो हैं ये येलो होकर झड़ के गिर जाएंगी। तो इससे बाद औकात बंदा घबरा जाता है कि पता नहीं मेरा प्लांट जो है ये दोबारा इस पर लीव्स आएँ कि ना आएँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं होती है, इस पर लीव्स आ जाती हैं, ये फिर से इसी तरह से हरा भरा हो जाता है। फरवरी के मंथ में जाके ना फिर से लीव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि बाकी सारे प्लांट्स भी होता है, सेम इसी तरह से इसके साथ होता है। वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग आपने इसका ध्यान रखना है, क्योंकि वाटर अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट जो है ये सारा ख़राब हो जाएगा, ये ओवर वाटरिंग को सह नहीं सकता। इसको ड्राई टाइप मिट्टी चाहिए होती है, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई भी ना रहे, लेकिन ड्राई टाइप मिट्टी जो है वो चाहिए होती है आप, मतलब कि हल्की हल्की मॉइस्ट मिट्टी हो। तो बस उस तरह से आपने पानी इसको इस तरीके से देना है। जब पानी ड्राई हो जाए अच्छी तरह से, फिर आप इसको पानी दें, और पानी इस तरह से ही दें कि एक दफ़ा तो वो गहराई में चला जाए, और फिर उसके बाद पानी तब ही दें जब तक कि इसकी मिट्टी आपको ड्राई ना नज़र आए। प्लांट तो आप इसको अपने घरों में ज़रूर लगाइए। ये दूर से ऐसे छोटे छोटे से गुंबद की शक्ल में ये जब बन जाता है अम्ब्रेला की शक्ल में तो बड़ा प्यारा लगता है। तो इसको अपने घरों में लगाइए, लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई आपको कोई इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है केयर करना, तो ये आपके गार्डन को एक बहार देगा। तो मैं इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, जो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ये कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। ये तो खैर मैं नर्सरी से ला के लगाया हुआ है, लेकिन इसकी कटिंग्स मैंने अभी तक लगाई नहीं है, लेकिन ये कटिंग से लगाया जाता है। अभी मैं इसकी कटिंग्स लगाने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन अभी मैंने लगाई नहीं है। ये इसको आप कटिंग्स को आप इसी सीज़न में लगा सकते हैं, ये रेनी सीज़न में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, या फिर आप इसको फरवरी मंथ में, जैसे कि सारे प्लांट्स की लगाई जाती हैं। ये देखिए, ये इसके बड़े पत्तों वाला जो प्लांट है वो ये है। अब आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हो चुका है, ये देखिए, और ये फुल ऑफ फ्लावर्स है। ये ज़मीन पे भी इसके फ्लावर्स गिरे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं ये ऊपर भी इसके सारे जगह जगह पे ये फ्लावरिंग से भरा हुआ है। इसके फ्लावर्स भी वो पहली वाली जो प्लांट है उससे छोटे, उससे बड़े हैं। इसके लीव्स भी उससे बड़े हैं, और लीव्स जो हैं ये वेरीगेटेड हैं।
डबल शेड के लीव्स हैं इसके, तो उस प्लांट के लीव्स जो हैं वो ग्रीन है, ये आप देख सकते हैं शेड का फ़र्क है और फ्लावर्स का भी फ़र्क है साइज़ का। तो इसको भी बिल्कुल सेम तरीके से बर्ड्स हैं गुच्छों की सूरत में, तो केयर दोनों की एक ही है। और आप देखें कि इसको भी कटिंग इस तरीके से की हुई है इसकी कि ये यहाँ पे भी ये एक छतरी की सूरत में नज़र आ रहा है। तो बस व्यूअर्स, मैंने आपको ये प्लांट दोनों दिखा दिए, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो सा भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।